मुझे ट्रैवलिंग हमेशा से पसंद थी। एंड सी, आई गॉट यू एज माय लाइफ पार्टनर। हैंडसम, गुड लुकिंग आर्मी मैन। आई एम सो लकी टू हैव यू। पर ट्रैवलिंग की विश ऐसे पूरी होगी, आई नेवर थॉट। पिछले 22 सालों से बस ट्रैवलिंग की तो कर रहे हैं। जब सेटल हुए, जब फ्रेंड्स बनने लगे, तो फिर से पोस्टिंग आ गई। एंड इट्स स्टिल एन ऑनगोइंग प्रोसेस। आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुश हूँ। पर अपना बच्चों के सामने डांटा मत करो। बच्चे अब बड़े हो गए, वो भी कहते हैं मम्मी आप चुप रहा करो, आपको कुछ नहीं पता लगता, आप घर चलाते हो। पर आप ना मुझे अकेले में डांट लिया करो। और कुछ नहीं, इंसल्ट फील होती है और अब मैं थकने लगी हूं। क्योंकि फिर जल्दी उठना, अनुभव को तैयार करना, तुम्हारा और घर का सबका खाना, मैं कंप्लीट नहीं कर रही। पर फिर ऑफिस का काम, फिर घर आकर खाना बनाना। पता है मुझे सभी कहते हैं मैं अच्छा खाना नहीं बनाती। याद है तुमने कहा था पापड़ बहुत अच्छे बने पर वो रोटी थी। मुझे नहीं पता था एक अच्छी बीवी के लिए अच्छा खाना बनाना भी जरूरी है। पर जब मैं अच्छा खाना बनाती हूँ आप कुछ कहते भी नहीं। वैसे आई हूँ कि घर में जो सबसे टेस्टी चीज बनती है मुझे सबसे कम ही मिलेगी, पर मुझे खुशी होती है। मैं तो आपकी तरफ ही देखती रहती हूँ। कैसी लगी आपको? शायद कुछ तारीफ। हाँ वो सॉरी, कई बार सब्जी बहुत ठंडी हो जाती है। पता क्या है, जब कई बार आप कहते हो ना बड़े दिन हो गए राजमा नहीं बनाए, चने नहीं बनाए, मैं ना आपका वो कॉम्प्लीमेंट समझ आती हूँ कि आपको वो चीज़ बहुत पसंद है। ये तरीका बहुत अच्छा है आपका तारीफ करने का। और हाँ, मैंने बच्चे नहीं बिगाड़े। आप हमेशा कहते हो तूने बच्चे बिगाड़ दिए। मैं क्यों बिगाड़ूंगी, ये हमारे बच्चे हैं। शायद डैडी जी भी मम्मी से यही कहते थे कि तुमने बच्चे बिगाड़ दिए, और शायद उनके डैडी जी भी मम्मी से यही कहते थे कि तुमने बच्चे बिगाड़ दिए। हमारे बच्चे हम क्यों बिगाड़ेंगे? यू नो आर्मी में एक बात बहुत मशहूर है, कहते हैं जब भी कोई नया टेलर मिल गया तो समझो पोस्टिंग आ गई। आपसे अलग कहीं जॉब कर नहीं सकती, आपके साथ इतनी पोस्टिंग्स में कुछ नया शुरू कर नहीं सकती। मैं तो ये भी भूल गई हूँ कि मैं एक पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। कोई एहसान नहीं कर रही, पर मैं भी कई बार थक जाती हूँ। मुझे भी संडे उतना ही अच्छा लगता है जितना आपको। पर हमारे लिए संडे सिर्फ कपड़े धोने और बाकी पेंडिंग कामों के लिए ही क्यों? जैसे तुम्हें टीवी देखते वक्त होता है कि मैं बच्चे को संभालूं, मेरा मन भी तो करता है कि आप कई बार कहते हो कि मेरे आने से पहले खाना खा लिया करो, पर क्या करूं, खाया भी नहीं जाता। तुम्हारा कंसर्न सर आंखों पर एक ही टाइम दिखता है मुझे जहां हम दोनों बात कर सकते हैं खाने पे। एक सीक्रेट बताऊं, मुझे तुम्हारी आधी बातें बिजनेस की समझ में ही नहीं आती, पर मैं कुछ पूछती नहीं क्योंकि डर लगता है कहीं आप ये ना कह दो कि इतना भी नहीं पता। फिफ्थ क्लास के बच्चे से पूछ लो। और हाँ, आपका फेवरेट डायलॉग, जनानियों जैसी बात मत कर। जनानी हूं तो जनानियों जैसी बात ही करूंगी ना। ऐसा क्यों सारी मदर्स और सारी बहनें अच्छी और सारी बीवियां खराब? मेरी बीवी ऐसी, मेरी बीवी वैसी, अब जैसी भी हूं आप ही की तो हूं। और आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप तो देश के लिए लड़ते हो, लोग आपको सलाम करते हैं, पर शायद एक छोटा सा रोल हमारा भी होता होगा, नहीं? आप अक्सर कहते हैं हमने चूड़ियां नहीं पहनी, पर चूड़ियां पहनना इतना आसान नहीं है। इट टेक्स करेज, इट टेक्स लॉट ऑफ करेज। डियरेस्ट हबी, शादी मुबारक पतिदेव। आई नो तुम्हें भी उतनी ही गुड़गुड़ हो रही होगी जितनी मुझे, बट ट्रस्ट मी, योर लाइफ इज चेंजिंग एंड श्योरली फॉर गुड। आई होप तुम्हें कभी ये ना कहना पड़े कि कुवारे ही ठीक थे और अब जोरू के गुलाम बन के रह गए हैं। इन द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ माई लाइफ आई फेल टू अंडरस्टैंड विच इज़ माई एक्चुअल हाउस, बिकॉज एवरी वन यूज टू से कि ये तो दूसरे घर जाएगी, बट यू प्रोमिस मी दैट यू विल नेवर से कि दूसरे घर से आई है। Your name will come after my name always, and
एंड आई एम रियली हैप्पी टू टेक दैट बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू लव मी द वे यू वॉन्ट योर सिस्टर टू बी लव बाय योर जीजू आई जस्ट वॉन्ट कि मेरे मम्मी पापा को ये ना लगे कि उनकी बेटी चली गई Rather, they should feel they have found a son in you. I really want कि जो doubts mom dad को देकर मेरे मन में शादी को लेकर आए वो कल हमारी बेटी के मन में ना आए I know you love me and I love you too, but at times I just want you to understand me.